हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन और एडिशन के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज से पहले हम लोग एक सेशन लिए थे जिसमें कि हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जाने थे और कैसे किया जा सकता है, कब किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग वो सेशन जाकर के नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। तो चलिए आज हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं किस टाइप का क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और कैसे वेरीफाई किया जाता है, इस पर क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग का दो मैट्रिक्स रखा हुआ है। ठीक है, दो मैट्रिक्स हम लोग को देख रखा हुआ है और हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करने बोल रहा है विथ ऑफ एडिशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है वेरीफाइंग। यहाँ पे देखिए LHS और RHS हम लोग एक ही साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, देखिए LHS इक्वल टू यहाँ पे RHS लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि ए प्लस बी कॉम्यूटेटिव लो। ठीक है, और यहाँ पे बी प्लस ए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स को रखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग को देखना ये जरूरी है कि ये ऑर्डर में है या नहीं। हम लोग इससे पहले वाले सेशन में क्या देखे थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तब जाकर के ये पॉसिबल होगा। देखिए यहाँ पे रो कितना है, 1 2, तो ये होगा 2 बाई 3 का मैट्रिक्स और ये भी क्या होगा, 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है। ये 2 बाई 3 और ये भी 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये ऑर्डर सेम है तो हम लोग इसको एडिशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको रखते हैं ए, मैट्रिक्स ए, तो कौन होगा यहाँ से 2 माइनस 3 और यहां से कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 0 और ये 3। ठीक है, प्लस का बी मैट्रिक्स, तो कौन होगा बी मैट्रिक्स, 3 यहां से 2 माइनस 2 यहां से 4 माइनस 3 और यहां से 1। ओके, इक्वल टू RHS में पहले होगा सेकंड मैट्रिक्स, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये होगा 3 2 माइनस 2 यहां से हो जाएगा 4 माइनस 3 और ये 1। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से क्या होगा, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 3 5 माइनस 1 0 3। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ऐड किया जाता है, एक बार हम यहां पर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये 2 वाले को 3 के साथ, 3 वाले को 2 के साथ और ये 5 वाले को -2 के साथ, -1 को 4 के साथ, 3 को -3 के साथ, 3 को 1 के साथ, यानी 0 को -3 के साथ और 3 को 1 के साथ। इसीलिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी होता है। बात समझ में आप, क्यों ऑर्डर सेम होना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 2 और 3 5, कोई दिक्कत, -3 और ये 2 को ऐड, तो कितना हो जाएगा -1, 5 और ये -2 कितना होगा, ये होगा 3। ठीक है, -1 में 4 को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 3, 0 को -3 से ऐड कीजिए तो -3 एंड यहां से 3 को 1 से ऐड कीजिए तो 4 आ गया, कोई दिक्कत, इक्वल टू आइए यहां से 3 और 2 5, 5 आया, 2 इसमें -3 को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, -2 और 5 को ऐड कीजिए तो कितना होगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, 4 और यहां से -1 को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 और ये -3 को 0 से ऐड कीजिए तो -3 और यहां से 1 को 3 से ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 4। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाइड हो गया ना, तो इस तरीके से क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आ चुका है
और इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, ओके है ना। देखिए यहां पे ए बी सी तीन मैट्रिक्स देके रखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहां पे वेरीफाई करने फिर से बोल रहा है, अभी तीन मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अभी कितना मैट्रिक्स आ गया, ये हो गया थर्ड, वन टू थर्ड, यानी तीन मैट्रिक्स आ गया, तो तीनों को हम लोग एक साथ ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहां पे क्या होता है, LHS, LHS इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, RHS, ये है मान के चल रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर बाद में वेरीफाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सबसे पहले A प्लस B को ऐड करेंगे हम लोग, और उसके बाद थर्ड वाले मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। आई वाज में यहां से क्या होगा, पहले हम लोग B प्लस C को ऐड करेंगे और फर्स्ट वाले मैट्रिक्स फिर बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले सेशन में हम ये सब चीज को दिखा चुके हैं कैसे होता है, ठीक है। चलिए मैट्रिक्स ए किधर है भाई, मैट्रिक्स ए यहाँ होगा 3, ठीक है, 5। देखिए ऑर्डर सबका सेम है, ऑर्डर सबका सेम है, तो इसीलिए सबको एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। ऑर्डर का सेम होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग के सामने में आ जाएगा, एक सेकेंड इसको लॉन्ग थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा। ये 3, 5, -2, ठीक है, 0, 6, -1, ओके आई बात में, प्लस बी मैट्रिक्स बी, तो कौन हो जाएगा, यहां से -1, 4, ये होगा 2, ठीक है, यहां से -3, यहां से 2, 3, यहां से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आते हैं मैट्रिक्स का थर्ड वाला, ठीक है, तो थर्ड मैट्रिक्स कितना होगा, 0, 2, 3, -4, 1, 6, अब कोई डाउट है यहां तक नहीं ना। आरएचएस साइड चलते हैं, मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए कौन वाला होगा, मैट्रिक्स ए होगा 3, 5, -2, 0, 6, और यहां से -1, ओके बढ़ाओ यहां तक। चलिए अब आते हैं यहां से बी सी में, तो -1, ठीक है, -3, और यहां से 4, ये 2, -2, और यहां से ये 3, ठीक है। अब आते हैं किसमें, थर्ड मैट्रिक्स में, तो थर्ड वाले मैट्रिक्स में कौन कौन होगा, 0, 2, 3, -4, 1, और ये 6, कोई डाउट यहां तक नहीं ना। चलिए अब पहले किनको किनको ऐड करना है, पहले किनको किनको ऐड करना है, यहां से ए और बी को पहले ऐड करना है, ए और बी को ऐड करना है, और यहां से बी और सी को पहले ऐड करना है, ठीक है, बी और ये सी को ऐड करना है। चलिए तो अब हम लोग पहले ए और बी को यहां से काम करते हैं, ठीक है ना, यहां तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए तो दोनों का ऐड कीजिए, देखिए 3 में 1 चला गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहां से कितना होगा, 3 में 1 चला गया, 3 में 1 तो 2, ठीक है, 5 में -3 तो कितना होगा, 2, में -2 में 4 को ऐड कीजिए, तो यहां से फिर से 2, 0 और 2 को ऐड कीजिए तो फिर से 2, 6 और 2 को ऐड कीजिए तो 8, -1 और 3 को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, नहीं ना। चलिए यहां से आ जाते हैं अब हम लोग, अब इसमें आइए 0, 2, इसको तो बाद में रखना है ना, तो इसको हम लोग एज इज वेल इसी तरीके से इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, इसको हम लोग अभी एडिशन नहीं करेंगे, है बात समझ में। चलिए इधर में आ जाते हैं हम लोग, इसको क्या करना है, बी और सी को पहले एडिशन करना है, इसको बाद में करना है एडिशन, तो इसको हम लोग रहने देते हैं ऐसे ही, 3, 5, -2, 0, 6, -1, कोई दिक्कत याद रख नहीं ना। चलिए इसमें ऐड कीजिए, तो -1 और 0, -1, ठीक है, -3 और 2 को ऐड कीजिए, ठीक है ना, तो क्या होगा, -1, ठीक है, 4 और 3, 7, आई वाज में 2 और -4 तो -2, ठीक है, -2 और 1, ठीक है, तो -1, ओके, 3 और 6, 9,
आपको दिक्कत। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को आप ऐड कीजिए। यहाँ पे कैसे कैसे ऐड हो रहा है मालूम चल रहा है ना? ठीक है, देखिए ये वाला इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में, ठीक है, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, -2 को 1 के साथ में, 3 को 6 के साथ, कोई दिक्कत यहाँ पे है ना? इसी तरीके से यहाँ पे एडिशन होता है। चलिए ऐड कीजिए, तो इसीलिए ऑर्डर का सेम होना बहुत जरूरी है। यहां से 2 और 0, 2 और 0, अच्छा ऊपर में लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोगों को भी अच्छा से दिखाई देगा। ठीक है, देखिए 2 और 0 2 होता है, ठीक है, 2 और 2 4 होता है, ठीक है, यहाँ से 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा एट का, ठीक है, 2 और -2 सॉरी -4 तो -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ से 2 और 6 8 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? इधर आइए, यहाँ से 3 में -1 ऐड करने पर कितना होता है, 2 होता है ना? इधर से आइए, 5 में -1 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 4, -2 में 7 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 5, 0 में -2 को ऐड करो तो -2, 6 में यहाँ पे कितना, 6 में -1, ठीक है, 6 में, अच्छा ये कहाँ गड़बड़ हुआ हम लोग का, 8 इधर चला गया, 6 और √2 8, ठीक है, यहां से 2 और इधर से हो गया हम लोग का 6, ये क्वेश्चन है ना, 2 4 5 -2, यहां से हम लोग का ये 9 नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है, कितना हो जाएगा, 6 और ये 7, ठीक है, 6 और 1, 6 में 1 चला गया तो ये 7 हो जाएगा, और यहां से हम लोग का, ठीक है, यहां से 9 में -1 का ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है, सारा सेम है, 2 2 4 4 5 5 -2 8 8, बस ये 9 और 7 मैच नहीं हो रहा है ना। चलिए देखते हैं कहीं भी कुछ होगा, तो यहां से हम लोग के सामने में 6 और 2 8, ठीक है, 8 1 किधर चला गया, 3 5 -2 0 6 -1 ओके, -1 4, -1 -3 4 2 -2, अच्छा, यहाँ पे -2 है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में -2 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे -2 है और हम लोग यहाँ पे -2 नहीं लगाए तो यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा, तो 6 में 2 चला गया ना, 6 में 2 चला गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, 6 में 2 चला जाएगा, यहाँ से 6 में 2 चला गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, 6 में ये 2 चला गया है ना, तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, तो करेक्शन हम लोग यहां से कर लिए 4, ठीक है, और यहां से हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिएगा यहां से हम लोग के सामने में ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी हम लोग यहां से करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना? चलिए तो 4 और 1 यहां से कितना हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा यहां से, ठीक है, और यहां देखिए 4 और 1 5 हो गया, यहां से 6 में -1 को ऐड करने से यहां पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप ही लोग बोलिए, 5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? यहां पे देखिए माइनस यहाँ पर हम लोग नहीं लगाए, ठीक है, तो छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर मैट्रिक्स में माइनस भी छूट गया ना तो उससे भी बहुत सारा असर पड़ेगा, ठीक है, इसलिए माइनस को भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, वेरीफाई हो गया ना? देखिए हो गया वेरीफाइड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए यहां पर भी ए एंड बी दो मैट्रिक्स लेकर के रखा हुआ है, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, फिर से वही बात करेंगे हम, ऑर्डर सेम होना चाहिए,
तो ऑर्डर रो एंड कॉलम, यानी कि रो कितना है इसके पास में, टू, एंड कॉलम कितना है, थ्री। इसका भी रो कितना है, टू, और इसका कॉलम थ्री। तो ऑर्डर दोनों का सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है ना, इसलिए हम लोग इसको दोनों को माइनस कर सकते हैं। चलिए यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड फाइंड यहां पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टू ए माइनस बी। देखिए अभी नया चीज एक आया यहां पे है हम लोग के सामने में दो, ठीक है, तो टू को टू रखना पड़ेगा और ए मैट्रिक्स जो है ना इसको अंदर में रखना पड़ेगा, थ्री वन टू, ठीक है, वन टू माइनस थ्री, ठीक है, माइनस बी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू, जीरो, फोर, फाइव, माइनस थ्री, और ये टू, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग इंटू कर लेंगे, टू और थ्री कितना होगा, देखिए जब कभी भी इस तरीके का इंटू बाहर में रहेगा तो ये दो के साथ में सभी का इंटू होगा, इसके अंदर में जितना भी एलिमेंट है सभी का इंटू होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सभी का इंटू कर देते हैं, दो और तीन छः, ठीक है, दो के दो, तो यहाँ टू टू जा फोर, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, माइनस सिक्स, ठीक है। चलिए अब माइनस करते हैं इसको, कितना, माइनस टू, जीरो, वहां से फोर, फाइव, माइनस थ्री, और ये टू। देखिए अभी क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अभी हम फिर से इसको इसी टाइप से आप लोगों को बता रहे हैं, सिक्स को माइनस टू के साथ, टू को जीरो के साथ, फोर को फोर के साथ, ठीक है, और नीचे वाला नीचे के साथ। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग के साथ में, सिक्स माइनस माइनस टू, यहां से ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सिक्स, ये माइनस साइन माइनस, और यहां का ये माइनस टू, ठीक है, यहां से टू माइनस जीरो, ठीक है, टू माइनस जीरो, यहां से फोर माइनस फोर, देख रहे हैं, फोर माइनस फोर, यहां से क्या होगा, टू माइनस फाइव, यानी कि यहां से टू माइनस फाइव, ठीक है, फोर माइनस और माइनस थ्री, यानी कि फोर माइनस और ये माइनस थ्री, ठीक है, माइनस सिक्स, ठीक है, माइनस सिक्स, और ये वाला माइनस, और ये टू। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहां से क्या होगा, छह और दो आठ, ठीक है, सिक्स टू एट, यहाँ क्या होगा, टू जीरो, कितना होगा, माइनस थ्री, यहां से कितना हो जाएगा, सेवन, और ये माइनस का एट। कोई दिक्कत, यही हम लोग आंसर निकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज चलते हैं, आ चुका है। चलिए अब क्या करना होगा, यहां पे देखिए तीन तीन क्वेश्चन है, तीन तीन क्वेश्चन है। सबसे पहला बात, यहां पे फर्स्ट नंबर पे आते हैं ए प्लस टू बी, ठीक है, देखिए यहां पे सबका ऑर्डर सेम है, ये भी टू बाई टू, ये भी टू बाई टू, और ये भी टू बाई टू, तो तीनों के साथ में यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर सेम है। चलिए यहां पे हम लोग आते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, यहां पे देखा जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, ए, यानी कि टू फोर थ्री टू, कोई दिक्कत यहां तक, प्लस क्या होगा, ये होगा दो बी, ठीक है। चलिए वन थ्री माइनस टू, और ये फाइव। देखिए अभी पहले हम लोग देखे थे अगर इस तरह कंडीशन आता है तो टू के साथ में अंदर का सभी एलिमेंट के साथ में इंटू हो जाएगा, और सबसे पहले हम लोग इंटू काम करेंगे वहां पे, तो टू फोर थ्री टू, ये तो जस्ट का तस रहा। और यहां से देखिए तो दो एक दो, तीन दूना छ, ठीक है, माइनस का फोर, और ये पांच दूना दस, ठीक है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही हम लोग का ऐड करेंगे, देखिए ऑर्डर तो सेम है दोनों का, तो ऐड तो होगा, हाँ, दो और दो चार, ठीक है, चार और छ दस, छ तीन और माइनस चार कितना होगा, माइनस है, और तीन और सॉरी दो और दस कितना होता है, 12। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड नंबर में क्या है, ये है बी माइनस फोर सी, तो बी का वैल्यू कितना कितना है, मैट्रिक्स बी देखिए यहां से वन थ्री माइनस टू, और ये रहेगा फाइव, ठीक है, माइनस फोर सी, फोर सी, तो सी का वैल्यू माइनस टू, फाइव, थ्री, फोर,
ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको इंटू कीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का कंडीशन आता है तो सबसे पहले इंटू, उसके बाद का काम फिर बाद में हम लोग करेंगे। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत ही सिंपल वे में हम समझा रहे हैं आप, ठीक है। और ये माइनस अंदर का साइन में माइनस नहीं होगा, ये माइनस को बाहर में ही रखना है, ठीक है। तो सिर्फ 4 से इंटू कीजिए, तो 4 दुना 8, ये सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो कितना होगा? 4 बचे 20, ठीक है। 4 तीन 12, ठीक है, और 4 चौके 16। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। ये माइनस का साइन माइनस में ही रहेगा, ये बस 4 को अंदर वाले से इंटू करना है। ऐसा नहीं कीजिएगा तो -4 × -2, ऐसा नहीं, तो फिर भी दिक्कत हो जाएगा। LHS इक्वल टू RHS में आप लोग फिर दिक्कत हो जाएगा वहां पर, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या होगा, 1 माइनस और -8 कितना होगा? 9, ठीक है। 3 माइनस और ये होगा 20, यानी कि -17, ठीक है। -2 -12 तो कितना होगा? -14, ठीक है। 5 -16 तो कितना हो जाएगा? -11। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग का थर्ड नंबर का क्वेश्चन में। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम लोग के सामने में ये क्या था, देखेंगे थोड़ा सा। a2b3c, चलिए यहां से था हम लोग का a-2b+3c, ओके। ये तो था 24 32, 24 32 है ना। a को लिख लेते हैं 24 32, ये हो गया। b को लिखते हैं हम लोग, अब कितना है b, 13 -25, ठीक है, यानी कि 13 - 25, यानी कि -2 और ये 5, ठीक है। अब आते हैं 3c, ठीक है, तो 3c में कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा भाई, इधर आ जा, यहां से -25 34, -25 34, -25 और यहां से 34, ठीक है। अब ठीक ठाक है सब, 13 25, यहां से 13 25, 25 34, 24 32, ठीक है सब। 24 32, 13 25, -25 34, ठीक है। चलिए अब सबको यहाँ पे इंटू कर लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 के साथ में इंटू करना होगा, 3 के साथ में इसको पहले इंटू कर लेना पड़ेगा, तो पहले ये सबको हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही इजी ढंग से यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। 2 4, यहां से कितना होगा? 3 2, ठीक है। यहां से कितना होगा? ये हो जाएगा कितना? 2 1 2, ठीक है। 2 और 3 6, यहां से कितना होगा? -4 और ये 5 दुना 10। हम क्या बोले थे इंटू करने के समय में, यहाँ पे ये जो माइनस है इसको माइनस ही रहने दीजिएगा, और ये सिर्फ 2, सिर्फ 2 से यहाँ पे इंटू होगा और किसी से इंटू नहीं होगा। माइनस को बाहर में ही रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से कितना होगा? 3 दुना 6, ठीक है। 5 दिया 15, 3 3 जा 9 और 3 चौके 12, कोई दिक्कत है ना। अब यहां से देखने वाली बात है, इस मैट्रिक्स के आगे भी पॉजिटिव है और इस मैट्रिक्स के आगे भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को पहले ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से कितना हो जाएगा? ये होगा 2 4 3 और ये होगा 2, और इसको ऐड कर लीजिए, कितना होगा? -6 और ये होगा 15 9 और ये 12, ठीक है। दोनों को पहले हम लोग ऐड करेंगे, ओके। सॉरी, यहां पे इसको माइनस करना है ना, माइनस होगा, ऐड क्यों हो रहा है भाई। चलिए और यहां से हम लोग को थर्ड वाला मैट्रिक्स, यानी कि पहले एडिशन वाले को, जोड़ वाले को, इस मैट्रिक्स के आगे भी ऐड है, इसके आगे भी ऐड है, तो पहले ऐड वाले को करेंगे, सबट्रैक्शन वाले को बाद में, ठीक है। तो 2 6, यहां से -4 और ये 10, ठीक है। इसको पहले हम लोग ऐड करेंगे ब्लैक वाले, ठीक है। तो हम लोग के सामने में कितना आ जाएगा, ध्यान से देखने वाली बात यह है, 2 में -6 को ऐड कर दिया जाए तो -4, ठीक है। 4 और ये 15 कितना होता है? 19, ठीक है। चलिए
तीन और नौ बारह, ठीक है, दो और बारह चौदह, ठीक है। अब ये माइनस वाला देखिए, यहां से टू सिक्स माइनस फोर और ये दस, कोई दिक्कत अब नहीं ना दिक्कत। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस फोर माइनस टू तो कितना होगा, माइनस का सिक्स, नाइनटीन माइनस सिक्स कितना हो जाएगा थर्टीन, यहां से बारह माइनस और माइनस चार, बारह चार सोलह, ठीक है, चौदह माइनस दस कितना आ जाएगा फोर, कोई दिक्कत यहां तक, या तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो चलिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा का होगा, कुछ नया चीज सीखे होंगे, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग सीरीज बाय सीरीज इसी तरीके का वीडियो को लाते रहेंगे, ठीक है, और पूरा मैट्रिक्स को खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग कुछ सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।